तो गाइस फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने वो गेट है जो सिटी पैलेस का मेन गेट है, और ये एग्जैक्टली यहाँ पे सुपर का मार्केट है, उसके जस्ट बगल में आपको सिटी पैलेस मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं गाइस कि ये उदयपुर बस स्टॉप से 1.5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। ये सिटी पैलेस का मेन गेट है, और यदि आप पैदल जा रहे हैं तो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, उस रास्ते से अंदर जाना होगा। और बाइक वगैरह लेके जाना चाहते हैं तो आप इस बीच वाले रास्ते से अंदर जाइएगा। देखिए गार्ड यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड भी आपको डायरेक्शन बता देंगे कि आपको किधर से जाना है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं अब। तो यहाँ पे ये है इन्फॉर्मेशन सेंटर, देखिए इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से आके ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट का फेयर प्राइस, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये टिकट काउंटर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और गाइस मैंने टिकट ले लिया, ये देखिए आप, ये टिकट है यहाँ का, और 30 रुपीज़ करके सिर्फ कॉम्प्लेक्स का टिकट मिला है। और भी टिकट है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम लोगों ने सिर्फ कॉम्प्लेक्स का टिकट लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, और ये चार्जेबल होगा, चार्ज लगेगा इसका। और टाइमिंग आप देख सकते हैं 9 AM to 5 PM, 0.1 to 0.2, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि चार्जेबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सिटी प्लेस म्यूजियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजियम का फेयर देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए गाइस 130 पर पर्सन लगेगा। तो गाइस यहाँ पे ये पार्किंग देख सकते हैं, ये पार्किंग लॉट है जहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई है। और मैं आपको बता दूं गाइस कि ये पर डे खुला रहता है, इसका टाइमिंग है 9:30 से 5:30 शाम, यानी 9:30 बजे सुबह में ये खुल जाएगा और शाम के 5:30 बजे ये बंद हो जाती है। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे आपकी टिकट सबसे पहले चेक हो जाएगी, और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। म्यूजियम का भी पास ले लिया है। अगर गाइस आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, यानी आपको 100 रुपीज़ ही सिर्फ पे करना होगा, लेकिन आपका करेंट आईडी प्रूफ कॉलेज का, स्कूल का जो भी है वो होना चाहिए। ये गेट आप देख सकते हैं, और जैसे ही आप एंट्री मारोगे यहाँ पे देख सकते हो जेंट्स टॉयलेट इधर है, और लेडीज टॉयलेट आगे में मिल जाएगा आपको। तो वैसे फिलहाल कुछ इस तरह का दिखता है ये सिटी पैलेस, आप देख सकते हैं, देखिए कितना अद्भुत लग रहा है। और ये लेफ्ट साइड में गई आप देख सकते हैं, ये आपको पहाड़ भी दिख जाएगा, देखिए ये पहाड़। और चलिए गई अंदर चलते हैं और देखते हैं इस सिटी पैलेस की खूबसूरती को। तो गाइस देख सकते हैं, देखिए कितना अनबिलीवेबल और कितना डिसेंट और कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा। हमको लग रहा है कि ये स्फेरिकल है, गोल है, देखिए किस तरह से ये कमाल का व्यू यहाँ से मिल रहा है। तो गाइस यहाँ से अगर आप राइट साइड जाते हैं तो आपको म्यूजियम की तरफ चले जाइएगा आप, अगर यहाँ से राइट साइड जाते हैं। और लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड बोटिंग वगैरह के लिए पार्किंग है, तो यहाँ से आप बोटिंग करने के लिए टिकट यहाँ से भी कटा सकते हैं। 500-700 रुपये फेयर है बोटिंग करने का, तो बोटिंग के लिए आपको लेफ्ट साइड याद रखना है, और म्यूजियम वगैरह के लिए आपको राइट साइड जाना। तो ये आप देखते जाइए इसे, कितना ये अद्भुत लग रहा है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं सनसेट टेरेस प्लेस, 6:30 AM से 10:30 PM तक ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस साइड में। और ताज फतेह प्रकाश पैलेस इधर, और यहाँ से भी देख सकते हैं आगे चाहें तो। और ये है गाइस वन एंड ओनली लेक पिचोला, जो वाटर लेक के बीच में सिचुएटेड है, बना हुआ है, बसा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अट्रैक्शन का कॉज बनता है यहाँ पे, इसे 1632 ईस्वी में बनाया गया। तो इस फिलहाल अभी हम आ गए हैं आगे, और यहाँ से अब चलेंगे इस साइड सीधा सामने, ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए। देखते हैं ऊपर अलाउड होता है या नहीं जाना। और ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये ऑलमोस्ट लगभग 400 साल पुराना ये सिटी पैलेस है। 400 साल पहले इसकी कंस्ट्रक्शन का पीरियड चालू हुआ था, कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, और इसे 22 राजाओं ने मिलकर बनवाया था। तो गाइस फिलहाल अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर आ गए हैं, ऊपर में लाउड है, आप आ जा सकते हैं, देख सकते हैं, और ऊपर से और भी ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, फोटोग्राफी वगैरह तो और ज़बरदस्त आएंगे। तो गाइस ऊपर आइएगा तो देखिए वहाँ पर आपका वे टू द सिटी प्लेस म्यूजियम, आपको वहाँ पे रास्ते मिल जाएंगे, तो वहाँ से चलना होगा हम लोगों को। और गाइस यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है ये ऊपर से। और गाइस लेक पिचोला जो होटल है वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा है, देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है, बोटिंग भी हो रही है। तो फिलहाल यहाँ भी आके आप टिकट कटवा सकते हैं, टिकट काउंटर यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, फेयर सेम ही है दोनों जगह का। और यहाँ पे देखिए हम अंदर आ गए हैं फिलहाल, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ से जाना है अंदर में, अब यहाँ से एक दृश्य आप देख सकते हैं।
तो गाइस रियली बहुत ही ऑसम प्लेस है, एक बार जरूर आप विजिट करें। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा बाहर की तरफ नहीं, मैं यहीं पे उस प्लेस से ही देखिए उदयपुर सिटी किस तरह का दिख रहा है। तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ से एंट्री करते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। कैश पॉइंट, टिकट बुकिंग काउंटर। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फूड कोर्ट भी मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आपको सामान भी मिल जाएंगे। आगे देखिए कितना भीड़ हो रहा है गाइस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भीड़ है नो डाउट। तो गाइस ये देख सकते हैं ये तोरण पोल का गेट है, यहाँ से देखिए किस तरह का ये आउटस्टैंडिंग बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो गाइड को भी लेकर जा सकते हैं जो आपको बताएंगे इसके बारे में। देख सकते हैं बैठने के लिए भी पूरी जगह है, आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। और ये ऊपर जा सकते हैं, देखिए ऊपर में किस इस तरह का दिख रहा है। और इधर आपको पानी पीने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल अभी मैं पहुँच गया हूँ म्यूजियम में, यहाँ पे देखिए म्यूजियम है, यहाँ से अब आपको चेक चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर आप अंदर वहाँ से जा सकते हैं जो मेन गेट है। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम में और बने रहे आप मेरे साथ, मैं दिखाऊँगा म्यूजियम में क्या है। देख सकते हैं जेंट्स लेडीज, चलिए हम इधर से प्रवेश करते हैं। तो देखिए गाइस ये मेन गेट यहाँ से म्यूजियम का, चलते हैं अंदर में और देखते हैं क्या है। फिलहाल यहाँ भी एक बार चेकिंग हो रहा है, हम लोगों का ये कट कर दिया गया, अब एक पार्ट रह गया मेरे पास। चलिए अंदर आ गए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे म्यूजियम के अंदर। तो गाइस इस बात को ध्यान में रखिए कृपया आप पहले इधर जाइए। तो चलिए चलते हैं इधर, सबसे पहले चलेंगे इधर, इधर जाने के लिए बोला जा रहा है। चलिए इधर चलते हैं, इस पार्ट को देखते हैं, फिर आपको इस पार्ट को भी विजिट कराएंगे। तो गाइस सामने आपको महाराणा प्रताप का कक्ष दिखेगा, तो चलिए महाराणा प्रताप का कक्ष हम लोग देखते हैं। तो गाइस ये देखिए महाराणा प्रताप का कवच, और मैं आपको बता दूँ कि इस महाराणा प्रताप के कवच का वेट 35 kg है। अभी उधर से आ गए, अब चलते हैं नेक्स्ट जोन में इधर भी। तो गाइस ये डाक कबूतर का पिंजरा, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का बनाया हुआ है। तो यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये उदयपुर सिटी। और ये है गाइस ऑसम कांच की बुर्ज, यहाँ पे ये देखिए पूरा कंप्लीट कांच का बना हुआ, पूरा कंप्लीट ग्लास का बना हुआ ये रूम। किरोसिन से चलने वाला पंखा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये है मोती महल, रास्ते काफ़ी संकीर्ण है, नैरो रास्ता है, यहाँ पे सिंगल आदमी एक बार में एक आदमी क्रॉस कर सकते हैं। ये बर्तन देख सकते हैं। और यहाँ पे राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ के विचार विमर्श किया करते थे। यहाँ पे देखिए ये उनका कक्ष है। और गाइस ये फोटोग्राफ जो आप देख पा रहे हैं ये मेवाड़ फैमिली की फ़ोटोग्राफ है जो यहाँ पे अभी लगी हुई है, और सबके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये प्रांगण है, ये पूरा
हम लोग अभी ऊपर में पूरा घूमे इस म्यूजियम को। तो गाइस फाइनली आ गया मैं बाहर। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से गया था और कम से कम इस सब को कंप्लीट घूमते हुए मुझे 2-2.5 घंटे लग गए और फाइनली यहाँ से मैं गिर हुआ हूँ और इधर से अब चलूँगा इस रास्ते से बाहर। तो गाइस इस म्यूज़ियम की बात की जाए तो बहुत बड़ा है यहाँ का म्यूज़ियम। मतलब मुझे यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा हो गए गाइस यहाँ पे म्यूज़ियम में इन किए हुए। और अभी भी हमको बाहर निकलने के लिए उस रास्ते से अभी जाना होगा क्योंकि वहाँ पे अभी एग्जिट का बोर्ड लग रहा है, तो शायद उस रास्ते से मैं ट्रेवल करके बाहर निकलूँगा। तो बहुत ही अच्छा जगह है और अमेजिंग लगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। स्पेशली महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री, पूरी लाइफ इसमें है, इस म्यूजियम में। तो गाइस फाइनली चलते हैं बाहर। होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, साथ ही चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय।